दोस्तों बहुत कमेंट आ रहे थे कि महेश आप कंपैरिजन करके बताइए 5000 तक की बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सी होगी, 10000 तक की बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सी होगी, कौन सी वॉच हमें इस फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की सेल में ख़रीदनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो फाइनली इतने सारे कमेंट्सों का मैं रिप्लाई तो कर ही रहा हूँ, तो साथ ही ये कंपैरिजन भी बना दूँ, एक रिव्यू कर दूँ सारी वॉचेस का। फ़िलहाल जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ 5000 रुपये तक की जो वॉचेस हैं उनका स्मार्ट वॉचेस, और उनको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी डिवाइड कर दिया है ताकि आपको चुनने में मदद मिल सके कि कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं चैनल माहिदा टेकी। आइए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस से। तो दोस्तों मैंने इनको प्राइस रेंज के हिसाब से तीन कैटेगरी में बांट दिया है। तो पहली कैटेगरी है अप टू 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपये तक में आपको इस सेल में कौन सी स्मार्ट वॉच मिलेगी। तो दो स्मार्ट वॉच हैं दोस्तों इसमें अवेलेबल, आप हैरान हो गए होंगे 2000 में भी स्मार्ट वॉच आ रही है। एक है जियोनी वॉच 5 जो कि मिलेगी आपको 1799 में फ्लिपकार्ट पर, और दूसरी है सिस्का की स्मार्ट वॉच जो कि आपको मिलेगी 1999 में। इन दोनों का ही सेल से पहले प्राइस था 2499 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फीडबैक की। तो जियोनी वॉच मैंने यूज़ करी थी, दो तीन दिनों रिटर्न करना पड़ेगा मुझे उसको, नोटिफिकेशन उसमें रेगुलर नहीं आ रहे थे। हालांकि उसमें BPS PO2 जैसे फीचर्स लगा के दिए थे 2500 रुपए की रेंज में, लेकिन उनकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। लुक वाइज जो है उसकी वॉच बहुत अच्छी थी, जियोनी की वॉच, मुझसे कई लोगों ने पूछा भाई बहुत अच्छी वॉच लग रही है। वॉच फेसेस का उसमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था बदलने का, हार्ट रेट मॉनिटर ढंग से काम नहीं कर रहा था, ये इश्यूज़ मुझे इनकाउंटर हुए थे। और इसका फीडबैक भी अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाके पढ़ता हूँ तो मिला जुला ही है। इससे अच्छा फीडबैक दोस्तों सिस्का की वॉच का मिल रहा है। तो आपको अगर इन दोनों में से कोई चॉइस करनी हो, लुक्स के ऊपर जाना है, जैसे मैं अपने हेयर वीडियो में कहता हूँ जियोनी के, फीचर से कोई लेना देना नहीं है, स्मार्ट वॉच पहनने का शौक है, दिखाना है, बहुत अच्छी लुक चाहिए, तो आप जियोनी पे जा सकते हैं। अब बारी आती है इससे ऊपर की रेंज 2000 से 3000 रुपये तक की। इसके अंदर दोस्तों तीन वॉचेज़ जो हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो अवेलेबल हैं। एक तो AQFit की W10, और उसके अलावा जो Realme है उसका प्राइस रिड्यूस होकर 3499 से 2999 हो जाएगा इस सेल के अंदर। और उसके अलावा Noice ColorFit Pro 2, तो ColorFit Pro 2 का भी पिछली सेल में प्राइस रिड्यूस होकर 2999 था, तो उम्मीद है इस बार भी बहुत बड़ी सेल लग रही है तो 2999 ज़रूर होना चाहिए। तो इन तीनों में बात करें तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट वॉच है दोस्तों वो है Realme की। Realme की वॉच में सारे फीचर हैं, आपको SPO2 मिल रहा है, डिस्प्ले का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है 320x320 पिक्सल का, जैसा कि NAV का और BPU का डिस्प्ले है वैसा डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और जब ये वॉच आई थी इसने धूम भी बहुत मचाई थी। वॉच फेसेस इसमें काफ़ी सारे हैं जो कि हमें Noice और AQFit में देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड भी है ये, और काफ़ी अच्छा इसके वॉच का फीडबैक भी है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई चुनना चाहेंगे सेम प्राइस रेंज में, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप Realme की तरफ ही जाना, वो आपके लिए बेस्ट डील रहेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं इससे ऊपर की रेंज 3000 से 4000 तक की रेंज की। तो उसमें बताता हूँ आपको कौन कौन सी स्मार्ट वॉच अवेलेबल हैं। तो इसमें दोस्तों एक बड़ी अच्छी वॉच पड़ेगी, 4499 की आती है वैसे वो Noice NAV, लेकिन वो इस सेल में आप देख लेना 3999 की हो जाएगी। उसका लॉन्च प्राइस भी यही था, उसके बाद वो कई बार जो है 3999 की हो चुकी है, तो पूरी उम्मीद है कि इस सेल में भी वो 3999 की हो जाएगी। और जिसको GPS वाली वॉच लेनी है वो इस वॉच पर आँख बंद करके जा सकता है। 3999 Noice NAV का बहुत ही जस्टिफाइड प्राइस है। उसके अंदर SPO2 नहीं है, वो मिसिंग है, जो इससे कम रेंज की वॉचेज़ में हमें देखने को मिल रहा है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन अगर आपको GPS चाहिए तो आप आँख बंद करके 3000 से 4000 की रेंज में इस वॉच के ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको Amazfit BPU मिल रही है जो कि अभी नई लॉन्च हो रही है 16 अक्टूबर को, बहुत ही धमाल मचाने वाली वॉच। उसके अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर मिल रहा है, बिल्कुल जो डिस्प्ले है Noice NAV और Realme की तरह है, उसका काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले है। उसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स मोड, 60+ स्पोर्ट्स मोड उसके अंदर दिए हुए हैं। तो आपको अगर नॉन GPS वॉच चाहिए तो आप BPU को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी फीचर से लेस वॉच है, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स वैरायटी इसमें काफ़ी देखने को मिल रही है। उसके अलावा एक और ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, टैग की जो वर्व वॉच है उसने भी काफ़ी धूम मचाई हुई है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके, उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं टैग वर्व के अंदर। आप उस वॉच की तरफ भी जा सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कितने कितने फीचर्स हैं उसके अंदर अवेलेबल। और बताता हूँ उसके अलावा जो AQFit W15 है वो अगर थोड़ी हैवी ना हो तो वो वॉच भी काफ़ी अच्छी है, आपको BPS PO2। तो कहने का मतलब ये कि 3000 से 4000 की रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करनी है कि आपकी प्रेफरेंस स्क्वायर डायल है या सर्कुलर है, उसके बाद आपको BPS PO2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्क्वायर डायल वाली में आप निसंकोच BPU पे जा सकते हैं, अगर वो पसंद नहीं आते तो टैग वर्व पे जा सकते हैं, और अगर आपको सर्कुलर वाली वॉच चाहिए, सर्कुलर शेप वाली, तो आप AQFit W15 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं 4000 से 5000 तक की रेंज की। तो इसमें जो वॉचेस फॉल कर रही हैं, एक तो है Amazfit Verzlite पूरे 4999 की विद GPS एंड AMOLED डिस्प्ले, उसके अलावा Noice Fit Endure है,
अगर मैं उसका 4499 वाला वेरिएंट लेता हूँ, हालांकि वो भी 3999 में भी अवेलेबल है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें तो आपको क्रॉस बीट्स की एस एंड क्रॉस बीट की ट्रैक ये वॉचेस भी आपको मिल जाएगी। अब क्रॉस बीट वॉचेस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सारे हेल्थ फीचर देखने को मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, SPO2 है। उसके अलावा ट्रैक और इसमें मल्टीपल वॉच फेसेस भी कंपनी ने लगा के दिए हैं, एलॉय बॉडी दी है। वेट यहाँ पे मुझे इस घड़ी का भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ट्रैक का आई थिंक 60 ग्राम था और रेस का काफ़ी ज़्यादा वेट मेंशन किया हुआ था वेबसाइट के ऊपर। लेकिन बात करूँ तो अगर आपको 5000 में अगर मैं वर्ज लाइट के ऊपर जाता हूँ, आपको GPS वाली एमोलेड डिस्प्ले लगा के वॉच मिल रही है दोस्तों, और आपको BP एंड SPO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे बढ़िया वॉच कोई नहीं है इस टाइम पे। मुझसे कोई भी पूछता है 5000 तक में, मैं पूछता हूँ भाई GPS या तो आँख बंद करके आप वर्ज लाइट ले लो, आप इतने सेटिस्फाई रहोगे ना। एक तो Amazfit की ब्रांडिंग है, गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, इतनी रिफाइंड ऐप है Amazfit की, तो आप अपने आप ही उसका मज़ा ले पाओगे। लेकिन वहीं पे जैसे क्रॉस बीट्स अभी नहीं आई है मार्केट में, लुक्स वगैरह में तो वॉच काफ़ी अच्छी है, फीडबैक भी मैं उसके अमेज़न वगैरह पढ़ रहा था काफ़ी सही थे। और इसके अलावा जो एक Amazfit की बीप एस वॉच है वो तो लेने का फ़ायदा ही नहीं है, आप 4999 भरोगे, उसमें एमोलेड डिस्प्ले उठा के आप वर्ज लाइट लेना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो हम बात करते हैं इस रेंज में एक और वॉच आती है Honor Magic 1 Lava Red, तो दोस्तों उसका भी मैंने कंपैरिजन किया था वर्ज लाइट से, उसमें भी कोई दम नहीं निकला। अगर आपको Honor का ब्रांड चाहिए, अंदर उसके आपको फीचर्स ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, बस ये हो सकता है कि हाँ Honor की है तो चलने वाली चीज़ होगी, ड्यूरेबल होगी, मजबूत चीज़ मिलेगी आपको। लेकिन जो आजकल हमारा क्रेज़ होता है फीचर्स का, BP मिल जाए, SPO2 मिल जाए, ये वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नहीं मिल पाएंगी, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार में GPS वाली लो वर्ज लाइट, अगर GPS नहीं लेना तो आप Noisefit Endeavor की तरफ भी जा सकते हैं, उसका जो ब्राउन लेदर वाला स्ट्रैप है बहुत अच्छी लुक की देता है। जो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको जानने में मदद मिली होगी कि कौन सी वॉच आपके लिए लेना ज़्यादा सही रहेगा नहीं, और ये कुछ वॉचेस हैं जो मेरे लिए विनर का काम करती हैं, मेरे हिसाब से वॉचेस काफ़ी अच्छी हैं खरीदने के लिए, मैं काफ़ी लोगों को इनको रिकमेंड करता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपेरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।